हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे सन एंड थर्ड हाउस सीरीज में। सो हाउ सन विल बिहेव इन थर्ड हाउस इन वन हॉरोस्कोप। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल सेट किया है यहाँ पर। सो ऑब्वियस है, इष्टानिष्टगतत्वेन शुभ शुभ फलप्रदे वाले जो लॉजिक्स है, जो बृहद जातक में वराहमिहिर जो बोलते हैं, बाय फॉलोइंग दोज आइडियाज, जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ कोर्स फॉर दैट मैटर, हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अभी सूर्य लग्न से 36वें भाव में होगा, तो क्या फल देगा, ये एक्चुअली आज का डिस्कशन होने वाला है। ओके, सूर्य हैपेंस टू बी थर्ड हाउस। यहाँ पर सूर्य हैपेंस टू बी इन द थर्ड। सो अभी बहुत सारे केसेस, अभी यहाँ पर 12 केस है, 12 लग्न है और 12 केस है प्रॉपर्ली। अब 12 लग्न में 12 तरीके से सूर्य बिहेव करेगा, तो एक बेसिक आइडिया नोशन कहाँ से हम पकड़े। सो हम सिर्फ अभी एक फॉर टाइम बीइंग हम लोग सिर्फ सूर्य का जो फल स्पेसिफिकली अनिष्ट भाव या इष्ट भाव में होगा तो कैसे फल होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ राशिज। राशिज में एक स्पेसिफिक राशि में सूर्य का राशि में कैसे डिफरेंस होगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए वी नीड समथिंग एल्स। सो दैट इज राशि के आइडियाज। सो देन वी एड द फ्लेवर्स इनटू इट, फिर वो प्रेडिक्शन सब ऐड करते हुए एक प्रेडिक्शन बोला जा सकता है। सो ये वाले केस में, सो लेट्स सी वॉट भृगु सूत्र टॉक्स अबाउट सन एंड थर्ड हाउस। अभी जैसे अभी ये जुपिटर का जो भाव है, प्लेस यहाँ पे जुपिटर लिखा है ना, तो जुपिटर का जो प्लेसेस है, दीज आर बेनिफिशियल साइंस फॉर सन। ये सो सन गुड डज गुड इन जुपिटर साइंस। फिर उसके बाद ये यहाँ पर शुभ फल देगा। एंड ऑफकोर्स फॉर जेमिनी लग्न सन इन मूल त्रिकोणा विल बी बेनिफिशियल, विल गिव बेनिफिशियल रिजल्ट्स। देन मेन यहाँ पर तुला राशि, ये सिंह राशि वालों के लिए तुला तुला में सूर्य इज क्वाइट अ चैलेंजिंग। यहाँ पर चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज सूर्य बिकम्स वीक हियर, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर सैटर्न के जो एक्वेरियस राशि में वालों के लिए, एक्वेरियस एक्वेरियस लग्न वालों के लिए सन इन थर्ड हाउस बिकम्स क्वाइट गुड बिकॉज सन इज एग्जाल्टेड हियर। ओके, एंड इसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं कुछ हद तक के लिए, लेकिन लेट्स सी व्हाट भृगु ऋषि हैज टू से ऑन दिस मैटर। तो फर्स्ट श्लोक इज बुद्धिमान अनुजरहित ज्येष्ठ नाशः पंचमे वर्षे चतुरष्ट द्वादश वर्षे वा किंचित पीड़ा पापयुक्ते क्रूरकर्ता द्विभ्रातृमान पराक्रमी युद्धे शूराश्च कीर्तिमान निजधन भोगी शुभयुते सोदर वृद्धि भावादिपे बलयुते भ्रातृदीर्घायुः पापयुते पाप पापे क्षण वंशनाशः शुभवीक्षण वशाद्वन्वान भोगी सुखी च। सो इधर बुद्धिमान अनुजरहित ज्येष्ठ नाशः, ऑब्वियसली इसको डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इट विल बिकम डेंजरस इफ वी इंटरप्रेट इट डायरेक्टली। तो हाउ दिस गोस, यहाँ पर ऐसे ये वाले केस में अनुज नाश होने का चांसेस नहीं है बिकॉज अनलेस एंड अंटिल सूर्य यहाँ पर है, देर विल बी अनुज यानी भाई बंधु, बिकॉज थर्ड हाउस का सिग्निफिकेशन क्या है, भगिनी भ्रातृ भृत्यानाम दास कर्म कृताम अपि कुरुवीत वीक्षणम विद्वान दुश्चिक्य वेश्म। सो भगिनी दैट इज सिस्टर्स, भ्रातृ इज भाई बंधु, भृत्यानाम दास कर्म कृताम, दास कर्म मीन्स इज अ सर्विस, सर्विस टुवर्ड समथिंग, कुरुवीत वीक्षणम विद्वान दुश्चिक्य वेश्म शुड बी रेड फ्रॉम द थर्ड हाउस। तो यहाँ पर बोला गया है ज्येष्ठ नाशक बाय ऋषि भृगु। ऑफ कोर्स ये इस लग्न वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सपोज यहाँ पर सूर्य इज इन
सॉरी लग्न इज सिंह लग्न, सन इज इन द थर्ड हाउस, यहाँ पर सन बिकम्स डेबिलिटेटेड, सो इन दिस केस यू कैन से कि भ्रातृनाश होने का चांसेस है. ऑफ कोर्स इट्स अ क्लू अगेन, यू नीड टू ऐड सम मोर फ्लेवर्स इनटू इट बाय एडिंग थर्ड लॉर्ड का रिजल्ट क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर दैट मैटर. यहाँ पर जैसे ये वाले केस में भी धनुर्लग्न वालों के लिए सन इज इन थर्ड हाउस इन द साइन ऑफ सैटर्न, यहाँ पर ये भी चैलेंजिंग हो सकता है. यहाँ पर ज्येष्ठ नाश भ्रातृ नाश होने का चांस है. मास ये वृश्चिक लग्न है, यहाँ पर भी अगेन सन इज इन द थर्ड हाउस इन द साइन ऑफ सैटर्न, एक्सट्रीम डिफिकल्टीज टू ब्रदर्स और ब्रदर्स विल नॉट बी देयर स्पेशली एल्डर वंस, अनुज रही था. इसके बाद पंचमे वर्षे चतुरारिष्ठ वर्षे वा किंचित पीड़ा. अब पंचमे वर्षे चतुरारिष्ठ द्वादश वर्षे वा किंचित पीड़ा. 4, 8 एंड द 12 ईयर्स. हाँ, और यहाँ पे पंचमे वर्षे दैट इज फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर, एट्थ ईयर एंड ट्वेल्थ ईयर में किंचित पीड़ा. किंचित पीड़ा क्या हो सकता है पंचमे वर्षे? यूजुअली हेल्थ का प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है. एंड सन रिप्रेजेंट्स बोन्स हार्ट, सो इस रीति से प्रॉब्लम होने के चांसेस है. एंड एट द सेम टाइम फादर फादर के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होने को चांसेस है. पॉसिबली फादर का डेथ हो गया, फादर को लॉसेस हो गए, सो ये होने का चांसेस है. फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर, एट्थ ईयर एंड ट्वेल्थ ईयर. बताइए ऑन द कमेंट्स बिलो कि ये एक्चुअली में आपके लाइफ में, अगर आपके कुंडली में सन थर्ड हाउस में है, फिफ्थ वर्ष, फिफ्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में, ट्वेल्थ ईयर में ऐसा क्या हुआ. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. पाप युक्ते क्रूर करता दैट इज, और इन कंजंक्शन विद द मेलेफिक इट विल बिकम मोर डेंजरस. अब यहाँ पर क्यों कंजंक्शन विद द मेलेफिक बिकम्स मोर डेंजरस? सपोज लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक केस देखा था, दिस इज फ्रॉम रियल लाइफ एग्जाम्पल. सन तुला लग्न का कुंडली था, थर्ड हाउस में सन है विच इज क्वाइट गुड इन दिस केस, बट देर इज अ प्रॉब्लम, राहु कम्स इन टू द इक्वेशन, देन मार्स कम्स इन टू द इक्वेशन, दो पाप ग्रह, माई गॉड. एक और यहाँ पर मून इज, यहाँ पर शुक्ल पक्ष वाला नहीं अमावस वाला चंद्र है, सो मून थ्री मेलेफिक्स बिकम्स क्वाइट डेंजरस इन दिस केस. सो ज्येष्ठ नाश है अनुज रहित, इट हैपन सो इन दिस केस कि दिस लेडीज ब्रदर हु हैपन टू फेस सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम ही डिसलोकेटेड हिज शोल्डर्स और समथिंग हैपन टू हिज शोल्डर्स और विद द बोन्स, एंड ही हैड टू कॉन्स्टेंटली एडमिट एडमिट हिमसेल्फ इन टू द हॉस्पिटल, बट ही नेवर डाइड. रीजन, यहाँ पर जुपिटर है, उनके हॉरोस्कोप में जुपिटर वॉज इन दिस राशि दैट इज इन द लियो राशि. यहाँ से जुपिटर एस्पेक्ट्स द फिफ्थ हाउस, 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो इधर जुपिटर दृष्टि रख रहा है, तो दिस साइन गेट्स प्योरिफाइड टू सम एक्सटेंट. सो एफ्लिक्शन है बट द पर्सन विल गेट सेव, सो दिस इज वॉट द प्रिडिक्शन शुड बी. योर ब्रदर विल फॉल इन टू गेट इन टू एन एक्सीडेंट बट ही विल गेट सेव बिकॉज जुपिटर्स इन्फ्लुएंस इज देयर. He will be admitted to hospital and he will be saved by doctors. So, यहाँ पर क्रूर वृत्ति में बोल सकते हैं इसके लिए ये तो एप्लीकेबल नहीं था ये वाले केस सिनेरियो में, बिकॉज पापा युते क्रूर करता, बट इनके केस में पापा युते क्रूर करता, उन्होंने कभी क्रूर करता काम किया नहीं तो है ऐसा प्रॉपर ऐसा स्पेसिफिकली. हाउएवर एक इशू ये है कि बिकॉज ऑफ हर सेल्फ लॉट्स ऑफ प्रेस्टीज डैमेज हैपेंस टू हर फैमिली.
लाइक बहुत ज्यादा नाम खराब हो गया वगैरह वगैरह. शी फॉल इनटू अ रिलेशनशिप एंड शी फेल इनटू अ रिलेशनशिप एंड समथिंग समथिंग हैपेंड एंड इट ऑफ कोर्स इट्स सम गाय हु वाज लाइक अ नशेड़ी गंजेड़ी एंड इट सो हैपेंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गया. सो दिस इज हाउ इट गोज. सो ये एक तरफ से बोल सकते हैं. एंड ऑफकोर्स दूसरे राशि दूसरे ग्रह वगैरह भी प्रोमिनेंस में आ जाते हैं. यू नीड टू ऑलवेज गेट इन टू दैट आइडियाज. यू नीड टू हैव अ चेक ऑन दिस हाउसेस एज वेल. द्विभ्रातृमान पराक्रमी अगेन ये दैट्स अ ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफकोर्स. एंड युद्धे शूराश्च अगेन यहाँ पर अनएफ्लिक्टेड सूर्य चाहिए. दिस पर्सन इज क्वाइट डरपोक. सो वो भी है. थर्ड हाउस में अगर सूर्य इज वेरी पावरफुल इन लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लेट्स से एसेंडेंट हैपन्स टू बी द जेमिना एसेंडेंट एंड व्हाट डू वी से अगर सन ये वाले यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल तो सन इज इन थर्ड हाउस. इन दिस केस द पर्सन विल बी वेरी यू नो ब्रेव डरेगा नहीं. तो सन का जब भी जहाँ पर भी पोजिशन होगा ब्रेवरी कम्स है. सन इफ इट्स वेरी पावरफुल सन इज वेरी पावरफुल इट पर्सन बिकम्स ब्रेव बिकॉज आत्मा का कारक भी है. एंड इफ सन गेट्स डेबिलिटेटेड डरपोक दैट पर्सन बिकम्स अति डरपोक. ओके एंड एडिंग ऑन टू दैट युद्धेश्वर राष्ट्र कीर्तिमान निज धन भोगी दैट इज वेरी फेमस. निज धन भोगी दैट इज सर्विस से पैसा कमाएगा. थर्ड हाउस में सूर्य है गवर्नमेंट सर्विस हो सकता है उसके बेसिस पे वो पैसा कमाएगा विच इज क्वाइट ओके बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस 21st सेंचुरी. सो यहाँ पर सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं. सो सम सॉर्ट ऑफ सर्विस होगा एंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में कोई सर्विस होने का चांसेस होता है. शुभयुते सोदर वृद्धि शुभयुते सोदर वृद्धि यस. इन दिस एज आई एक्सप्लेन्ड इट फर्दर विद दिस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप यहाँ पर शुभ तो नहीं है बट शुभ ग्रह का दृष्टि है इन तुला लग्न फॉर तुला लग्न पर्सन. एंड शी हैड दिस थिंग शुभयुते दैट इज जुपिटर इज एस्पेक्टिंग दिस पर्सन गॉट वन नहीं वन यंगर सिस्टर वन यंगर ब्रदर. सो द कंडीशन गेट सेटिस्फाइड हियर. सो एवरी टाइम सूर्य इज इन थर्ड हाउस इट डजेंट डिस्ट्रॉय वंस ब्रदर्स. हाउएवर यू नीड टू ऐड दशा भुक्तिज इनटू द इक्वेशन. यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपरली ये पर्टिकुलर टाइम पे ये हो सकता है. ये स्टैटिक एनालिसिस है एंड डायनेमिक एनालिसिस वी विल सी इन फ्यूचर पोस्ट. देखते हैं आगे इस पर क्या कर सकते हैं. वेरी आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी राइट नाउ आई डोंट नो व्हाई बट ठीक है भगवद इच्छा. भावादिपे बलयुते भ्रातृदीर्घायुः पापयुते पापे क्षण वंशनाशः. मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है. पाप क्षण वंशनाशः मे बी पॉसिबली कोई ऐसा सब डिस्ट्रॉय हो जाता है पॉसिबली ऐसे वाले केसेस में. हु नोस वंशनाश है. एंड ये भी हो गया. शुभ वीक्षण वशाध्वान भोगी सुखी च साधन. एंड हॉरोस्कोप शुड नॉट बी लुक्ड इनटू द लग्न अलोन. बहुत सारे नुक एंड कॉर्नर्स में भी देखना चाहिए. जैसे जन्म लग्न फिर उसके बाद नवांश लग्न फिर कारकांशा लग्न आरूढ़ लग्न इस सब इसको यूज कर इसको प्रॉपर प्रिडिक्शन के लिए एक स्पेसिफाई कर सकते हैं. जैसे यूजुअली हमारे केरल हम लोग जैसे इसको वर्क करते हैं हमारे जो गुरुजनों ने सिखाया है लाइक यू टेक ऑल दोज पॉसिबिलिटीज देन यू एड अप लाइक विच गेट्स इनटू मोर लाइक किस जगह पर ज़्यादा लीन कर रहा है उसके बेसिस पे यू प्रेडिक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज लीनिंग ऑन द डेथ ऑफ ब्रदर्स और नो ब्रदर्स इन दिस केस इन इन दैट केस सो वी प्रेडिक्ट कि पॉसिबली नो ब्रदर्स आर देयर. इफ इट इज 50-50
यू माइट से ब्रदर्स विल बी देयर बट सम ब्रदर्स विल बी डेड, ऐसा भी हो सकता है. सो यू यू हैव टू सी नवामशा फॉर दैट एंड यू नीड टू सी अ लॉट ऑफ हॉरोस्कोप्स, एटलीस्ट 1000 हॉरोस्कोप्स फॉर दैट मैटर, इन ऑर्डर टू नो लाइक इन ऑर्डर टू एबल टू मेक सम सर्टन प्रिसाइज प्रिडिक्शन अबाउट सर्टन पीपल. ओके, सो यू नीड टू हैव एन हैंड्स ऑन अप्रोच इन टू दिस सब्जेक्ट, अदरवाइज ऐसे ही नहीं पॉसिबल है यार, पागल हो जाओगे आप. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, मैं खुद पागल हो गया था इस चीज के पीछे. ये भावा दीपा बलुए थे भात, अभी अभी और कुछ बचा नहीं है, लाइक ये लास्ट था. आगे तो आगे पॉसिबली चमत्कार, चिंतामणि, नो ब्रदर्स, नहीं और कुछ तो है नहीं. हाँ, चमत्कार चिंतामणि सेज द नेटिव विल बी फुल ऑफ वेलर, ही सफर्स ऑन द अकाउंट ऑफ हिज रियल ब्रदर्स, ही गोज ऑन पिलग्रिमेजेस एंड ऑलवेज कॉन्कर्स हिज एनिमीज इन द बैटलफील्ड, ही इज प्रोवाइडेड विद द कम्फर्ट्स बाय द किंग. ही गोज ऑन पिलग्रिमेजेस इज अ क्वाइट गुड पॉइंट मेड बाय चमत्कार चिंतामणि इन दिस केस. दिस पर्सन सपोजिटली इन द दशा ऑफ सूर्य विजिटेड लॉट ऑफ टेम्पल्स बिकॉज बिकॉज इट इज इन द हाउस ऑफ जुपिटर, सॉरी साइन ऑफ जुपिटर दैट इज धनुर्राशि. फर्स्ट ऑफ ऑल सन रिप्रेजेंट्स टेम्पल, जुपिटर अगेन एस्पेक्ट्स इट, सो इट बिकम्स अ क्वाइट सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन, सब्सटेंशियल क्लूज टू प्रिडिक्ट दैट द पर्सन माइट बी गोइंग इन टू टेम्पल अलॉट. ओके, सो वाई टेम्पल्स, वाई दिस पर्सन विल गो इन टू टेम्पल्स, बिकॉज द पर्सन इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. राहु इज कंजंक्ट विद सन एंड मार्स, दोस थ्री मेलिफिक्स इन दिस केस, एंड द पर्सन इज वेरी स्केर्ड, दैट्स वाई दिस पर्सन ट्राइज टू फाइंड सोलेस इन टेम्पल्स. सो दिस शुड बी, दिस कैन बी द प्रिडिक्शन. सो आई होप आई हैव डन सम जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट. इफ यू हैव सम क्वेश्चंस काइंडली इन्फॉर्म इन द कमेंट्स बिलो. इफ आई हैव सम टाइम आई विल रिप्लाई, एंड इफ नॉट पॉसिबल देन इट्स नॉट पॉसिबल, हम कुछ बोल नहीं सकते. हरे कृष्णा, दैट्स ऑल फॉर टुडे.